बालों को लंबे, घने, काले और मजबूत बनाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जैबरंडी मदर टिंचर के बारे में हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। आज इस वीडियो में हम इसी जैबरंडी मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे कि जैबरंडी मदर टिंचर एक्चुअली है क्या, जैबरंडी क्या है, इसके मेन बालों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से बालों के कंसर्न्स को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करती है, और साथ में मैं आपको टॉप 3 जैबरंडी बेस्ड होम्योपैथिक हेयर ऑयल बताऊंगी जो 100% इफेक्टिव हैं, जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल बेस्ड एक्सपीरियंस पे बताऊंगी। सो प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने बताया, जैबरंडी मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे और इसके हेयर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग जो जैबरंडी को लेकर बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, जो कि जनरल वीडियोज़ हैं, किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के वीडियोज़ नहीं हैं, जिनको देखकर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो वायरल हो गए हैं वीडियो। तो जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट कर करके भेज रहे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि भूल कर भी जैबरंडी ना लगाएं, मूर्ख ना बने, ये सारी चीज़ें, इनसे कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो पेशेंट जिनको मैंने पर्सनली जैबरंडी एडवाइस किया है हेयर कंसर्न्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। सो इस टॉपिक में भी इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। सो इफ़ यू आर द वन जिनको हेयर कंसर्न्स हैं, जैबरंडी आप यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं बालों के झड़ने के लिए या बालों की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आप एक अच्छा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं या होम्योपैथिक हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहे। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जैबरंडी मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और उसका साइंटिफिक नेम है पाइलोकार्पस। जैबरंडी एक नेचुरल हेयर टॉनिक है जो बालों को दो तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, बालों के लिए दो तरीके से बेनिफिशियल है। पहला, ये बालों के फॉलिकल्स को, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करती है। दूसरा, ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है ताकि हेयर फॉल और हेयर लॉस कम हो सके। साथ में हेयर रीग्रोथ में हेल्प करती है ताकि बालनेस का जो इशू है वो सॉल्व हो सके। हेयर कंसर्न्स के अलावा, जैबरंडी इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हाइपरहाइड्रोसिस एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। जैबरंडी मदर टिंचर को किस तरीके से यूज़ करना है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, मेरा जो पर्सनल होम्योपैथिक हेयर ऑयल फॉर्मूला है जिसका मेन इंग्रेडिएंट जैबरंडी है, इस पे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या पहली बार जैबरंडी के बारे में सुन रहे हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इन शॉर्ट, इस वीडियो में मैं आपको जैबरंडी के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़, ये बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है ताकि बाल आसानी से टूटे नहीं। थर्ड, हमारे स्कैल्प में ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करता है। फोर्थ, बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैबरंडी मदर टिंचर ऑल्सो हेल्प्स इन प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उस कंसर्न को सॉल्व करने में भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल हेयर टॉनिक है। अगर आप डेंड्रफ से सफ़र करते हैं तो डेंड्रफ को ट्रीट करने के लिए भी जैबरंडी यूज़ की जाती है। ऑल्सो, अगर आपको बाल्डनेस हो गई है, मेल पैटर्न बाल्डनेस है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, एलोपीशिया एरेटा है, हॉर्मोनल बाल्डनेस है, कोई भी वजह से आपको बाल्डनेस डेवलप हो गई है, हेयर थिनिंग हो रही है, जनरल डेंसिटी आपके बालों की कम हो गई है, पहले बहुत मोटे थे आप पतले हो गए हैं, तो ऐसी सारी कंडीशंस में हेयर की रीग्रोथ के लिए, बालों को वापस उगाने के लिए भी जैबरंडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हम इसे लोकली अप्लाई करते हैं तो ये डीपर फॉलिकल्स में जाती है, पेनिट्रेट करके अंदर, और हेयर उनको स्टिमुलेट करती है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ को वापस लेकर आती है। सो ये मेन इंडिकेशंस हैं जैबरंडी के। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप 3 जैबरंडी बेस्ड हेयर ऑयल जो बेस्ट हैं, जिनसे 100% रिजल्ट मिलते हैं, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एंड मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन्हें यूज किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट उनसे मिले। सो हम 3, 2, 1 ऐसे रैंक किया है मैंने। तो थर्ड नंबर पे जो है SBL का जैबरंडी प्लस हेयर ऑयल,
बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। इसके मेन इंडिकेशंस है हेयर फॉल, हेयर लॉस, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, डैंड्रफ एंड इट स्ट्रेंथन हेयर रूट्स। मैं पिक्चर यहाँ सबकी साइड में ऐड करती जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। 100 ml का इसका जो प्राइस है वो है 150 rupees, 150 rupees का। नाउ सेकेंड नंबर पे है वीजल जेबोरेंडी हेयर ऑयल, द मोस्ट मोस्ट फेमस हेयर ऑयल करेंटली ऑन यूट्यूब। बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे हैं इसको, होम्योपैथ्स, नॉन होम्योपैथ्स, ब्यूटी ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एवरीवन। सो ये जो वीजल का जेबरेंडी हेयर ऑयल है, इसे जेन्युइनली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैंने कोई भी दूसरा हेयर ऑयल नहीं अपने लिए ऑर्डर किया था अपने क्लिनिक के लिए, सिर्फ मैंने वीजल जेबरेंडी हेयर ऑयल ऑर्डर किया था और यही मैं अपने पेशेंट्स को देती थी। एंड कितने सारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिला है, बालों की ग्रोथ में, रीग्रोथ में, हेयर फॉल उनका कम हुआ है, ठीक हुआ है, हेयर डेंसिटी अच्छी हुई है और बाकी हेयर कंसर्न्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इसके भी मेन इंडिकेशंस है हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर की रीग्रोथ। ये बालों में ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, डैंड्रफ के केसेस में और इचिंग, स्कैल्प इचिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो वीजल जेबरेंडी हेयर ऑयल ऐसा हेयर ऑयल है जो आपके बालों की हर समस्या का समाधान है। इसका जो 110 ml वाली जो क्वांटिटी पैकेजिंग आती है, उसका प्राइस 150 rupees है, यानी कि 150 rupees है। किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर पे माय फॉर्मूला होम्योपैथिक हेयर ऑयल, जिसमें जेबरेंडी की इंग्रेडिएंट है। इसके साथ में इसमें ऐड करती हूँ आर्निका, कोकोनट ऑयल एज अ बेस ऑयल और साथ में मैं ऐड करती हूँ टी ट्री ऑयल एज अ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए। डेंड्रफ वाले पेशेंट्स में, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं टी ट्री ऑयल से। सो अर्लियर इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल और जेबरेंडी मिक्स करके अपने पेशेंट्स को देती थी हेयर कंसर्न में। उसके बाद मैंने इसमें आर्निका इंट्रोड्यूस किया, जब बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिलने लगा, देन मैंने इसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया और अब ये बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मुलेशन मुझे ये लगता है जो बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल है, जेबरेंडी है, आर्निका है। आर्निका का मेन पर्पज़ है ऐड करने का कि आपके स्कैल्प में ब्लड सप्लाई को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, जिससे आपके रूट्स मजबूत होते हैं, आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलती है और साथ में वो उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो मैं इस तरीके की 100 ml बॉटल में डिस्पेंस करती हूँ, जिसमें मैं 40 ml सबसे पहले कोकोनट ऑयल ऐड करती हूँ, देन 40 ml जेबरेंडी, देन 20 ml आर्निका, देन फिर मैं इसमें टी ट्री ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स। ये मैंने वीडियो कंप्लीट बनाई है, अगर आप खुद से डिस्पेंस करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। मैं सारी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसे डिस्पेंस करती हूँ। टी ट्री ऑयल मैं नाइका का यूज़ करती हूँ। इसमें ये जो हेयर ऑयल है, ये 100 ml 450 rupees का कॉस्ट करता है। अगर आपको परचेज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और क्वांटिटी बताइए। जो माई फॉर्मूला होम्योपैथिक हेयर ऑयल वाली जो वीडियो है, मैं इसे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में टॉप में, तो आप उसे देख के खुद से भी अगर अपने हेयर कंसर्न्स के लिए फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्मुलेट कर लेंगे। सो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तीनों जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अपने क्लिनिक में यूज़ कर चुकी हूँ। नाउ क्लियरिंग फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डाउट्स जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं इन पास्ट फ्यू डेज। सबसे पहले, जेबरेंडी यूज़ करें या ना करें? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, सेफ है और इसके कोई नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सेकेंड, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वार्निंग्स। जो पेशेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट ले लेकर भेजे हैं, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी पिक्चर्स, बट मैं बता रही हूँ, जिनमें लिखा हुआ है कि भूल कर भी जेबरेंडी मत लगाना, बेवकूफ़ मत बनो, आपके बालों को अगर अच्छा रखना चाहते हो तो जेबरेंडी लगाने की गलती मत करना, एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो आप सिर्फ, मैं हमेशा अपने बहुत सारे वीडियोस में कहती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस ले। अगर आप यूट्यूब पर सीखने आते हैं तो यूट्यूब पर भी उन लोगों की बातें सुने, उन लोगों को देखें, उनसे सीखें जो प्रोफेशनल हैं, जो इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं, जिन्हें उसके बारे में एक्सपीरियंस है एटलीस्ट। सो उनकी बातें सुने, उनसे सीखें। कोई भी रिव्यू कर रहा है, कोई भी कुछ भी बता रहा है, तो उन वीडियोज़ को क्लिक करके आप देखें नहीं और कन्फ्यूज़ ना हो। ऐसे में अगर आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइकवाइज कि आपको किसी होम्योपैथ ने आपको जेबरेंडी ही प्रिस्क्राइब किया, लाइक मैंने ही आपको जेबरेंडी बोला है लगाने के लिए अपने हेयर कंसर्न्स पे, जैसा मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को, दूसरे होम्योपैथ्स भी करते हैं,
उसके बाद आपने ऐसी वीडियो देख ली, जबरिंडी भूल कर भी मत लगाना। आपको कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, या फिर जिस डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है आप उसी डॉक्टर से अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, या फिर सबसे ईजी आप मेरे वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं कोशिश करूंगी उन्हें आंसर करने की। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी हेयर कंसर्न नहीं है, आपके बाल ज़्यादा नहीं झड़ते हैं, आपको डेंड्रफ नहीं है, आपके बालों की डेंसिटी ठीक ठाक है, ओवरऑल गुड हेल्थ है, बट आप जैबरिंडी हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं, या फिर आपने वीडियोज़ देखी हैं या आपको कहीं से पता चला है कि जैबरिंडी इज़ गुड फॉर हेयर, तो आप अपने नॉर्मल हेयर ऑयल से जैबरिंडी हेयर ऑयल पर स्विच कर सकते हैं, या आपके जो है बालों की अभी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा और आप इसे अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका हेयर फॉल, अगर आपकी बाल्डनेस या फिर कोई स्कैल्प की डिसीज़ है आपकी जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो और वो जैबरिंडी क्यू यूज़ करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए टू रूल आउट दी कॉज। मेडिकल कंडीशंस होती हैं हेयर फॉल के पीछे, उनको रूल आउट करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट क्योर। आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो, ई कंसल्टेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगी, उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। जिन लोगों ने भी क्वेरीज पूछी थी, व्हाट्सएप किया था, उनके डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, लव यू ऑल।